Hey everyone, welcome to BioLegiaties. कितना अच्छा लगता है ना जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए हम खुद के मन में एक बार भी ये डाउट नहीं आने देते कि ये एग्जाम मुझसे क्रैक नहीं हो सकता। नीट 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 690 ऑन 720 स्कोर करने वाली सानवी पुरी ने ये प्रूव करके दिखाया बच्चों कि एग्जाम प्रिपरेशन करते हुए हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी जितना रोल प्ले करती है उतना ही रोल खुद पर भरोसा का भी है। अगर आप खुद पर भरोसा रखें, अगर अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते रहें तो सक्सेस के दरवाजे आप लोगों के लिए बहुत जल्द खुलेंगे। तो नीट टॉपर इंटरव्यू सीरीज के अंडर आज मैं बात करने वाली हूँ सानवी पुरी से, जानेंगे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके से इस प्रिपरेटरी फेज को बहुत स्मूथ बनाया और पहले ही अटेम्प्ट में डॉक्टर बनने का सपना प्रूव करके दिखाया। वेलकम टू बायोलॉजी सानवी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग 690 ऑन 720 पहले अटेम्प्ट में। थैंक यू। अभी तक बच्चे मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए ना, तो मैंने ऐसे कोशिश करी है कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बच्चा आंसर देता है और वो वीडियो 12-13 मिनट की हो जाती है। लेकिन तुम्हारा जो अचीवमेंट है पहली अटेम्प्ट में 690 स्कोर करने वाला, काबिले तारीफ है। तो मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं और टाइम हमारे पास लिमिटेड रहेगा, तो मैंने तुम्हारे लिए क्विक Q&A सेशन प्लान किया है। रेडी? यस मैम। ठीक है, तो अराउंड 20 क्वेश्चंस बच्चे मैं तुमसे पूछूंगी। लेट्स हैव अ क्विक Q&A सेशन विद नीट 2022 AIR 368। चलो बच्चे, आपका नीट 2022 का स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक। सो मैम, मेरा स्कोर 690 आउट ऑफ 720 था और ऑल इंडिया रैंक 368 थी। ओके, दिस वाज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हिच अटेम्प्ट? विद कोचिंग, विदाउट कोचिंग? ठीक है, अगर रिसोर्सेज की बात करें, ऑफलाइन रिसोर्सेज की बात करते हैं, फिजिक्स में क्या यूज किया? तो थ्योरी के लिए NCERT एंड पढ़ने के लिए नोट्स यूज करे थे। क्वेश्चंस के लिए मैंने NCERT की एक्सरसाइजेस करी हैं एंड पैकेज के क्वेश्चंस भी करे। ठीक है, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के लिए ओनली NCERT, फिजिकल के लिए नोट्स एंड ऑर्गेनिक के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, बायोलॉजी? ओनली NCERT अलॉन्ग विद क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करते हैं। ऑनलाइन में वीडियोस मैंने फिजिक्स के लिए कुछ चैप्टर्स के लिए देखे हैं जो डिफिकल्ट लगते थे, जैसे कि रोटेशन वगैरह, और ऑनलाइन मतलब उसी टाइम ही मैंने आपका चैनल भी देखा था, तो मोस्टली ट्रिक वीडियोस के लिए देखा था, जैसे एवोल्यूशन के चार्ट्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे तो उसके लिए देखा था। ठीक है। अच्छा, आपकी कुछ हॉबीज हैं बच्चे? हाँ मैम, मेरी हॉबीज में पोइट्री, सिंगिंग, और जब नीट चल रहा था तब यूट्यूब चैनल खोलना था, बट ऑब्वियसली वो इतना हो नहीं पाया, तो बिल्कुल अब मतलब ट्राई किया है, होपफुली कंसिस्टेंट चैनल ओपन किया है। हाँ जी। अच्छा, बता दो बच्चों को अपने चैनल का नाम। मेरे नाम से है, शांति पुरी के नाम से। ठीक है, चलिए वापस आपके प्रिपरेशन जर्नी पे आते हैं। ओके, व्हाट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन या फिर ऑब्स्टिकल ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन? YouTube था थोड़ा, और मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी करती थी, बट इवेंचुअली मैंने यही सोचा कि रिस्ट्रिक्ट करना है कंटेंट YouTube पे, कि क्या देख रहा है, बस गोल ओरिएंटेडली, तो फिर वो ठीक हो गया था। ओके, योर बिगेस्ट सपोर्ट ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन? पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स एंड ऑब्वियसली टीचर्स। ठीक है, तो नीट 2022 का पेपर देने से पहले तुमने कितने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दिए थे बच्चे? मैम, मैंने लास्ट 1.5 मंथ्स में आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे दिया था, तो 15 के अराउंड तो दिए होंगे। ठीक है, अराउंड 15-16 फुल सिलेबस मॉक दे देंगे, इतने ही तुमने पार्ट टेस्ट भी दे दिए होंगे, आई थिंक, है ना? ठीक है, अच्छा, तो हर मॉक टेस्ट में ये 720 या 700 या 600 प्लस तो आता नहीं होगा, जब लो मॉक टेस्ट स्कोर हुआ तो उससे कैसे डील किया? तो मैम, वही था मेनली कि मेरा बायोलॉजी वीक सब्जेक्ट था, तो मैंने उसे एनालाइज करना स्टार्ट किया, एंड मोस्टली जो मैं मिस कर रही थी वो NCERT के ही पॉइंट्स थे, बट वो कहीं टेबल्स या डायग्राम्स या कैप्शंस में थे, तो फिर थोड़ी ज़्यादा थरो रीडिंग स्टार्ट करी NCERT की। अच्छा जी, NCERT कितने बार पढ़ ली थी? फिजिक्स के लिए एक दो बार पढ़ी थी बोर्ड्स के टाइम, केमिस्ट्री 2-3 बार, एंड बायोलॉजी तो 6-7 टाइम्स पढ़ी होगी। ओके, अच्छा, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, इन सबको मैनेज करने का क्या मंत्र है? अब मेरे हिसाब से तो ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो अल्टीमेटली NCERT ही पढ़नी है। इनफैक्ट जब बोर्ड्स भी हुए थे तो मुझे बूस्ट ही मिला था नीट प्रिपरेशन में, क्योंकि NCERT काफ़ी बार गो थ्रू हो गई थी एंड मैं साथ में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेती थी प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द टेक्स्ट, तो वो अलाइन हो गया। ओके, ठीक है, अच्छा, ऑन स्केल ऑफ 10 हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज थिंग्स फॉर नीट एस्पिरेंट? NCERT रीडिंग ऑन स्केल ऑफ 10 कितना? 100 out of 10। 100 out of 10, ठीक है जी। रेफरेंस बुक का कितना? रेफरेंस बुक मैंने नहीं यूज़ करी है, मैंने पैकेज से ही क्वेश्चंस करे थे, एंड थ्योरी भी मैंने किसी रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ी है, बट हाँ क्वेश्चंस मैं जितना हो सकते थे प्रैक्टिस करे हैं, सो क्वेश्चंस के लिए 10 on 10, बट थ्योरी के लिए स्टिक टू NCERT। ठीक है, अच्छा जी, यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स 10 on 10।
10/10, ठीक है। अच्छा, हर बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता ना बच्चे, और हर बच्चा खूब सारे रेफरेंस बुक भी नहीं खरीद सकता, तो सेल्फ स्टडी कर रहे बच्चे को तुम क्या एडवाइस दोगे? तो अब मतलब पेपर पैटर्न ऐसा हो गया नीट का कि बहुत ही एनसीईआरटी ओरिएंटेड है और काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिराइव्ड भी रहता है, तो अगर आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो और एनसीईआरटी की थरो रीडिंग कर रहे हो तो अब डिफिकल्ट नहीं रहा उतना ज़्यादा एक अच्छा स्कोर लाना विदाउट कोचिंग। लेकिन सेल्फ स्टडी करते हुए बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। अब कोचिंग कर रहा बच्चा तो अगले दिन जाके अपने कोचिंग में टीचर से डाउट्स पूछ लेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी वाला बच्चा क्या करे? हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ऑनलाइन रिसोर्सेज अब काफ़ी आ गए हैं और आपको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। मतलब मोस्ट प्रोबेबली उनमें से कोई ना कोई कोचिंग जाता होगा या वो किसी ना किसी टीचर के कॉन्टैक्ट में होंगे, एंड अगर आपके कॉमन डाउट्स होते हैं तो वो आप ग्रुप में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। वॉट मेड यू स्कोर 690/720 पहली अटेम्प्ट में? तो एज आई मेंशन्ड, मेरी वीकनेस बायोलॉजी ही थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वही किया कि रिपीटेड रिविजन ऑफ एनसीईआरटी, एंड मतलब आपको कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ना एनसीईआरटी का, कोई कैप्शन टेबल डायग्राम हर चीज़ देखनी है, तो वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों की बायोलॉजी फेवरेट होती है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट उन्हें बायोलॉजी लगता है, लेकिन आपके केस में जितना मुझे पता चला है यू स्कोर 180/180 इन फिजिक्स, राइट? और बायोलॉजी में 340 रह गए, तो ये फिजिक्स से कैसे टैकल किया जाए? मतलब मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से, और इसके लिए मतलब मैंने वीडियो लेक्चर्स की काफ़ी हेल्प ली। अगर आप विजुअलाइज करना शुरू करते हो चीज़ों को, या जैसे रोटेशन जैसे चैप्टर्स, बहुत इवेंचुअली इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हैं। देखो, एंड में आपको फॉर्मूले मतलब याद करने ही है नीट के लिए, तो वो चॉइस नहीं है, बट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए वीडियो लेक्चर्स और इन सब ऐसे कॉन्टेंट की हेल्प लेना अच्छा रहता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हम किसी सब्जेक्ट को लेकर जो पहले से परसेप्शन बना देते हैं कि यार ये डिफिकल्ट है, नहीं आएगा, उस चीज़ की वजह से शायद हम स्टेप नहीं ले पाते हैं उस सब्जेक्ट को समझने का, है ना? जैसे तुमने अपनी स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मुझे फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती थी, अगर हर बच्चा शुरुआत में ये सोचने लग जाए कि ठीक है मुझसे हो सकती है, फिजिक्स का हर टॉपिक समझ आए, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी समझ नहीं आया, राइट? ठीक है, अच्छा, अब जैसे नीट 2023 के लिए बच्चों के पास सिर्फ 6-7 महीने ही रह गए हैं, तो बच्चों को ये चीज़ ना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है कि यार नहीं हो पाएगा क्रैक एग्जाम, तो तुम्हें क्या लगता है? बहुत ऑनेस्टली आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद 11th में बहुत फोकस नहीं थी, इनफैक्ट मैंने पूरा ही 11th का सिलेबस रीडू करा है 12th में, तो ये आप इजीली कर सकते हो, एंड लास्ट 6 months ही वो मेरा क्रूशल पीरियड था जब मैंने एक्चुअली मतलब प्रॉपर फोकस के साथ मेहनत करा था, एंड इसके लिए आपको एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, इनफैक्ट 2-2, 3-3 बार भी करोगे तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज काफ़ी रेपिटेशन होती है। ओके, एनी मैसेज टू नीट एस्पिरेंट्स? आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट नीट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, बट इट इज एन एग्जाम दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको रोज बैठना पड़ेगा, रोज एनसीईआरटी से फाइट करना पड़ेगा, रोज मॉक टेस्ट स्कोर्स के साथ डील करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली अगर आप एनालिसिस करते रहते हो और स्कोर्स को मतलब यू नो कंसिस्टेंटली देखते रहते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैं समअप करना चाहूँ तो मुझे इस पूरे इंटरव्यू में एनसीईआरटी बहुत बार सुनाई दिया, तो मैं कह सकती हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने आपके 690 के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना? तो बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, स्टिक टू एनसीईआरटी, चाहे आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एनसीईआरटी तो सबके पास होगी ना बच्चे, एनसीईआरटी को लगातार पढ़ते रहो, तुम्हारा सक्सेस बाण यही बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सानवी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जितनी मेहनत तुमने ये MBBS का कोर्स तक पहुंचने के लिए करी है, आई होप तुम्हारी जिंदगी के 5-5.5 साल जो MBBS करते हुए जाने वाले हैं बहुत खूबसूरत जाए, और तुम्हारा व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप के साथ की जर्नी बहुत अच्छी है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।